दोस्तों आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा मैक्रोनी। चटपटा मैक्रोनी बनाने के लिए दोस्तों मैक्रोनी हमारे पास है, एक गाजर है, दो टमाटर है और यहाँ पे हरा वाला मटर है उबली हुई है, दो प्याज है और यहाँ पे एक शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं और यहाँ पे देखिए हरा धनिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम मैक्रोनी को उबालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी रखी थी गर्म होने के लिए, पानी अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें नमक डालेंगे, तेल डालेंगे, मैक्रोनी डाल देंगे, इसको हम डुलाएंगे, इसको हम मीडियम आंच पे पकाएंगे दोस्तों। तो इधर हमारा मैक्रोनी पक रहा है, सब्जी काट लेते हैं। तो यह देखिए सबसे पहले हरी मिर्च काट लेंगे, प्याज को भी काट लेंगे। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी को बजाना ना भूलिएगा। गाजर को भी छोटे छोटे टुकड़े हम काटेंगे, आप अपने हिसाब से यहाँ छोटा बड़ा साइज काट सकते हैं। शिमला मिर्च काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपनी पसंद की सब्जी आप डाल सकते हैं। इसको देखो हम छोटे छोटे टुकड़े हम काटेंगे इस तरह से। टमाटर को भी छोटे टुकड़े हम काटेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ये रेसिपी को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हरी धनिया काटेंगे। तो ये देखिए दोस्तों सारी सब्जियाँ कट गई हैं। तो यहाँ पे मसाले में सबसे पहले एक चम्मच नमक है, यह टेस्ट के अनुसार, हमने नमक पहले भी प्रयोग कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर एक चम्मच जीरा है और यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैक्रोनी हमारा अच्छे से उबल रहा है, इसको हम अब निकाल लेंगे, गैस की आंच बंद कर देंगे। दोस्तों मैंने मैक्रोनी को 5 मिनट उबाली थी, तो हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। यहाँ पे रिफाइंड तेल डाली हूँ दोस्तों मैं। तेल गर्म होने के बाद इसमें जीरा डालेंगे, जीरा भुनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। थोड़ा सा इसको भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, प्याज, इन सबको अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें हम डालेंगे गाजर। गाजर इसलिए पहले डालते हैं दोस्तों क्योंकि ये जल्दी से पकेगा नहीं, इसलिए हम इसको जल्दी पकाएंगे पहले डाल करके। अब इसमें हम डाल देंगे दोस्तों हमारे पास जो सब्जियां और हैं वो हम सब डाल देंगे इसमें। टमाटर, शिमला मिर्च ये डाल देंगे, इसको भी डुला देंगे। इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे दोस्तों, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। गैस की आंच मीडियम ही करके सब्जियों को भूनें। सब्जी हमें ज़्यादा नहीं पकानी है दोस्तों, हल्की हल्की सब्जियाँ पकानी है जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसमें हरी मटर डालेंगे, मैक्रोनी डालेंगे, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों इसको अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद इसको हम ढक करके 2 मिनट मीडियम आंच पे पकाएंगे। तो ये रहा दोस्तों 2 मिनट हो गया, अब हम खोलेंगे इसको डुलाएंगे, गैस की आंच बंद कर देंगे। इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। तो ये रहा दोस्तों चटपटा मैक्रोनी बनके पूरी तरह से तैयार है, अब इसको हम सर्व करेंगे। तो ये रहा दोस्तों मैं सर्व कर दी हूँ।